कराची के अंदर एक मामला ऐसा हुआ, कराची में ये सच्चा वाक्य है, कराची के अंदर एक शख्स बड़ा समझदार पढ़ा लिखा, उसका बच्चा रोड क्रॉस कर रहा, ट्रक के नीचे आ गया, मर गया। पकड़ लिया ट्रक ड्राइवर को भी कंडक्टर को भी, वो बंदा आया, कितना दुख होता है। हम तो अपने बच्चे के हाथ का नाखून जो है ना वो दर्द कर रहे ना, मेरे बेटे का वो रेशा वगैरह पड़ जाए, रो रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने फौरन उसको अपनी वाइफ को कहा इसका मामला करो, वो रो ही जाए, मेरा दिल बाहर आए कि मेरा बेटा है। ये बाप की अपने बच्चे से मोहब्बत है, हर बाप की अपने बच्चे से ऐसी मोहब्बत है। और ये देखें कि उस बाप का बेटा उसके सामने फौत हो गया, अब बताएं हम क्या गुजरी होगी उस बंदे के ऊपर। पकड़ लिया ट्रक ड्राइवर को, कंडक्टर को, जब पकड़ लिया तो जब उसके बेटे की लाश को लेकर जाने लगे ना, तो भतीजा कहता है अपने चचा से, चचा जान इनका क्या करना है, ये ट्रक ड्राइवर का और कंडक्टर का क्या करना है। कहने लगा भतीजे इधर बात सुन, उसको साइड पे किया, कहता बेटा देखो अगर मैं इनको पुलिस को पकड़वा दूँ, इनको मैं मार डलवाऊँ, या इनको मैं पैसे इनके ऊपर जुर्माना करवा दूँ, बताएं मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। कहने लगा नहीं मिलना। अब वो बंदा कहता है इन सबको बता दो मैंने अल्लाह की रजा के लिए इनको माफ़ किया। क्या कहा, अल्लाह की रजा के लिए मैंने। और उसी का भतीजा कहता है कि जब से मेरे चचा ने माफ किया है, मेरा चचा को उल्टा काम करता है, अल्लाह उसे सीधा कर देता है, अल्लाह की उसके ऊपर इतनी रहमत होगी, कारोबार में कोई भी मामला करता है अल्लाह उसको कामयाबियां दे देता है, अल्लाह की उसके ऊपर ऐसी रहमत होगी, फजल हो गया कि अल्लाह के लिए उसने क्या किया, माफ कर दिया। तो अल्लाह के लिए माफ करने से भी रूहानियत बढ़ती है।